नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज़ में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। आपको बता दें कि भारत के शहंशाह का खिताब हासिल करने वाले और पूरी देश दुनिया में मशहूर और जिनकी कई करामातों के किस्से से देश का हर बासिंदा वाकिफ़ है, ऐसी शख्सियत पाने वाले और राजस्थान के अजमेर की सरजमी पर विराजमान ऐसे मुस्लिम समुदाय के सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही की मुबारक दरगाह शरीफ और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही के बारे में बीते कुछ दिनों पहले विभत्स बातें और अपमानजनक शब्द बोलकर केसरी भगवा कलर के कपड़ों में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसके कारण समस्त मुस्लिम समाज की धार्मिक लागणी और भावनाओं को बड़ी भारी ठेस पहुंची है, जिसके अंतर्गत आज रोज सूरत में वर्सेटाइल माइनॉरिटी फोरम के सदस्यों द्वारा जिला कलेक्टर और सूरत शहर पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र देकर रजूआत की गई कि जो कोई भी व्यक्ति इस तरह का वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया को हथियार बनाकर देशवासियों की कौमी एकता को भंग करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हो। दर्शकों, सोशल मीडिया एक ऐसा स्वरूप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सकते हैं और साथ ही दूसरे भी बहुत ही ज़रूरी काम कर सकते हैं। और आज के इस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के ज़माने में देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी हो गए हैं। जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो आज की ये टेक्नोलॉजी सही मानो तो इंसान की ज़रूरत ही बन गई है, लेकिन कुछ लोग इस माध्यम का गलत प्रयोग करके न जाने क्या क्या दर्शाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी ही एक सनसनी खबर से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। आपको बता दें कि भारत के शहंशाह का खिताब हासिल करने वाले और पूरी देश दुनिया में मशहूर और जिनकी कई करामातों के किस्से से देश का हर बासिंदा वाकिफ है, ऐसी शख्सियत पाने वाले और राजस्थान के अजमेर की सरजमीन पर विराजमान ऐसे मुस्लिम समुदाय के सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही की मुबारक दरगाह शरीफ और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही के बारे में बीते कुछ दिनों पहले विभत्स बातें और अपमानजनक शब्द बोलकर केसरी भगवा कलर के कपड़ों में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसके कारण समस्त मुस्लिम समाज की धार्मिक लागणी और भावनाओं को बड़ी ही ठेस पहुंची है। और साथ ही कहीं ना कहीं वो वीडियो बनाने वाला व्यक्ति देश की कौमी एकता को भी भंग करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उस अपमानजनक वीडियो द्वारा साफ साबित हो रहा है, जिसके संदर्भ में आज रोज सूरत में वर्सेटाइल माइनॉरिटी फोरम के सदस्यों द्वारा सूरत जिला कलेक्टर और सूरत शहर पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र देकर रजूआत की गई कि जो कोई भी व्यक्ति इस तरह का वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया को हथियार बनाकर देशवासियों की कौमी एकता को भंग करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हो। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज, सूरत। जी, आपका नाम और आपकी संस्था का नाम? मेरा नाम एडवोकेट ज़ेबा इश्तियाक पठान है। मैं प्रमुख हूँ वर्सेटाइल माइनॉरिटीज़ फोरम की। ये हमारी टीम है। हम आज रोज़ यहाँ आए हैं कमिश्नर श्री और कलेक्टर श्री में आवेदन पत्र देने के लिए। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भगवा रंग के संत है पुष्कर के, उन्होंने ये बताया, उन्होंने बहुत ही गलत और अभद्र टिप्पणियाँ और अभद्र भाषा का उपयोग किया है हमारे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, जो खूब और बहुत ही जिससे सबको बहुत दुख हुआ है, सबकी लागणियों को दुबाया है ये इस वीडियो ने। ये पूरी कौमी एकता तोड़ने की बात आई है जब ये वीडियो उस मकसद से वायरल किया गया है कि सबके दिमाग में ये डाला जाए कि भाई दो धर्म के बीच में एक कौमी एकता तोड़ने की बात आई है। हाँ, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सरकार हिंद के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आके उनकी श्रद्धा है, वहाँ माथा टेकते हैं, सबकी श्रद्धा को इनकी लागणियों को दुबाया है। और हमारी यही रजूआत है कि जल्द से जल्द उस संत जो वीडियो में है उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च की जाए, उनके अगेंस्ट में जो भी लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत पड़े वो ली जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुकद्दर रंगूनी है। कौन सी संस्था से आए हो?
आज हम वर्सेटाइल माइनॉरिटी फॉर्म द्वारा हमारे प्रमुख जेबा पठान इश्तियाक पठान के साथ कलेक्टर श्री और कमिश्नर श्री को आवेदन पत्र देना आए थे। किस चीज़ के लिए आवेदन देने आए और क्या मैटर है? एक संत द्वारा जो ख्वाजा गरीब नवाज मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के विरुद्ध में जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसके विरुद्ध में हमने कलेक्टर श्री और कमिश्नर श्री को आवेदन पत्र दिया कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यानी क्या टिप्पणी की और कैसी थी? वो टिप्पणी मैं जाहिर में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन खराब खराब गाली और खराब खराब बातें बोली है उनके विरुद्ध में, और उनको हमारी ये मांग है कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई।